हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब आप। मैं हूँ प्रणाली और आप देख रहे हैं प्रणु अमेरिकन व्लॉग। तो मैं आई हूँ पेट्रोल पंप पे, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं बोलते हैं, अमेरिका में गैस स्टेशन बोलते हैं। तो हम लोग अभी है गैस स्टेशन पे। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो हमें खुद ही गैस फिल करना पड़ता है। तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कैसे फिल करते हैं। जो है ऑक्टेन नंबर है, अबुलर जो गैस है उसकी कॉस्ट कम होती है, और ये जो है 93 इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन सभी अच्छे होते हैं। तो 87 की कॉस्ट है 2.20 पर गैलन। तो यहाँ पे गैलन के हिसाब से गैस मिलता है, मींस पेट्रोल। तो एक गैलन मींस 3.79 लीटर होता है अपने इंडिया के हिसाब से। तो हम लोग अभी चलिए गैस फिल करते हैं। तो यहाँ पे हमें कार्ड डालना है, अभी इंस्ट्रक्शन आई है रिमूव करना है। उसके बाद ये है नोजल, तो ये नोजल ऐसे रिमूव करना है नोजल, और फिर हमें जो फ्यूल यहाँ पे भरना है उसको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने गैलन हो गए हैं वो सब दिखाता है, और कितने डॉलर हो गए वो भी वहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे शॉप्स भी होते हैं, यहाँ के हर एक पेट्रोल पंप में शॉप्स होते हैं, तो हम जब भी कहीं जाते हैं तो वहाँ से स्नैक्स वगैरह कुछ खरीद सकते हैं। तो आपको मैं वो भी दिखाती हूँ यहाँ के पेट्रोल पंप के शॉप में क्या क्या मिलता है। तो चलिए आप मेरे साथ। और ये है शॉप्स यहाँ के, तो यहाँ पे मैकडोनल्ड है और ये एक शॉप है। तो चलिए अभी अंदर जाके भी देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर है मैकडोनल्ड, तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए, अभी विंटर के लिए कैप्स रखे हुए हैं, और इस साइड में सब गॉगल्स सनग्लासेस वगैरह रखे हुए हैं। ये यहाँ पे मसाज का चेयर भी रखा हुआ है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बच्चों के खिलौने वगैरह सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। इसी मंथ में थैंक्सगिविंग है, तो उसके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पे डेकोरेशन किया हुआ है। यहाँ पर थैंक्सगिविंग में स्पेशल डिश बनाते हैं थैंक्सगिविंग के लिए। तो ये यहाँ पे टर्की की फ़ोटो आपको दिख रही है, साथ में पम्पकिंस भी हैं। उसका अलग से मैं आप लोगों को वीडियो बना के शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ पे ट्रैश डस्टबिन्स रखे हुए हैं, और इस यहाँ पे हर टाइप के क्यूजिन है। उस साइड में आप देख सकते हैं मील मिलता है, कोई भी मील हम वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और इस साइड में आप देखेंगे तो स्मूदीज मिलती है, और इधर तो सबका फेवरेट जो है पिज़्ज़ा, वो पिज़्ज़ा यहाँ पर मिलता है। सभी टाइप के पिज़्ज़ा है यहाँ पर, और उस साइड में मैकडोनल्ड का सभी बर्गर, जो कुछ भी चीज़ें हमें चाहिए वो हम आसानी से यहाँ से ले सकते हैं। तो कहीं भी हम सफ़र करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है गैस स्टेशन पे रुक के स्नैक्स वगैरह जो कुछ भी हमें चाहिए वो लेने का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठने के लिए चेयर टेबल इस साइड में भी बहुत ही अच्छे से रखे हुए हैं। ओके, थैंक यू। तो यहाँ से मैंने लिया है चिकन नगेट्स। दोस्तों, यहाँ पे किड्स मील होता है, तो मैंने सियान के लिए लिया है। तो उसमें क्या क्या है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। टॉय है इसमें, और चिकन नगेट्स है यहाँ पे, ये देखिए, और फ्राइज है और मिल्क भी है। और हर एक गैस स्टेशन की हिस्ट्री होती है, तो उसके फ़ोटो वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगाए हुए होते हैं। तो आप देख सकते हैं वहाँ पे फ़ोटोज़ लगाए हुए हैं, तो रोड के भी नाम यहाँ पे लिखे हुए होते हैं। तो वहाँ पे लिखा है मैसाचुसेट्स I-90 वेस्ट, तो ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा भी होता है। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा है ये सियान, देखो बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहा है यहाँ पर भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कॉन्फ्रेंस रूम भी है, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है। और ये सब तो आप देख ही रहे हैं, मॉल के जैसे दिख रहा है। इस साइड में कॉफ़ी और जूस रखा हुआ है, तो हम सिलेक्ट करके हमें जो कुछ भी चाहिए हम यहाँ से ख़रीद सकते हैं।
तो दोस्तों ऐसे होते हैं अमेरिका में गैस स्टेशन। आप लोगों को कैसे लगा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी मैं जा रही हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तो वो भी वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स गिविंग आने वाला है, मीन्स यहाँ पे थैंक्स गिविंग जो है, यू कैन गो।